गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे मार्जिनलाइज्ड की एक्सप्लॉयटेशन जो है उनकी खत्म हो, इसके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रोविजंस जो है इंट्रोड्यूस करती आ रही है। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो देयर आर सम प्रोविजंस। हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा कि जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी ये होना चाहिए और इक्वालिटी होना चाहिए, तभी हमारा देश जो है सेक्युलर और सोवरीन बन सकता है, राइट? तो हमने ये भी पढ़ा था मार्जिनलाइज्ड पीपल आज कौन है हमारे देश में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस आर द बैकवर्ड पीपल इन अवर सोसाइटी नाउ अडेज। अभी हम शेड्यूल कास्ट मैंने आपको बताया था, दलित्स और हरिजन्स, स्मॉल फार्म लेबरर्स, लेदर वर्कर्स, कॉबलर्स, ड्रम बीटर्स, क्राफ्टमैन, ये जो है वो सब शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स हमने स्टार्ट किया था, आदिवासी कहा जाता है इनको। चलिए आदिवासी के बारे में पढ़ते हैं। आदिवासी आर नेटिव्स ऑफ लैंड, जो कि जमीन पर रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको कहते हैं आदिवासी। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, हाउसिंग, फॉडर। दिस इज फॉडर बेटा, फॉडर, फूड, फॉडर, क्लोथिंग एक्सेट्रा। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये लोग जो है पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं अपने हर काम के लिए, इसीलिए इनको आदिवासी कहा जाता है, फॉरेस्ट के नेटिव्स कहा जाता है। तो सारे जो अपने जो भी बेसिक नीड्स है दे फुलफिल फ्रॉम फॉरेस्ट ओनली, राइट? तो इनके बारे में कुछ एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो देखते हैं। आदिवासीज आर लूजिंग देयर आइडेंटिटी इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, वो अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। आदिवासीज के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर लूजिंग देयर आइडेंटिटी, पहचान खो रही है इनकी, किस नाम पे? सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे। दे लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड वे ऑफ लाइफ, उनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट से अपनी सारी जरूरतें पूरी करना और साथ ही सेलिंग के लिए भी वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बेचना, तैयार करना, और उनका जीवन जीने का तरीका जो है वो अब कहीं खोता जा रहा है, बिकॉज डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है और डेवलपमेंट के नाम पे इनके जो फॉरेस्ट हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। दे हैड टू फेस मार्जिनलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, उनको मार्जिनलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब है अपने से दूर रखना, मार्जिनलाइजेशन अपने से दूर रखना यानी अपने चारों तरफ जो नॉर्मल कैटेगरीज हैं या सो कॉल्ड हायर कास्ट हैं वो अपने से दूर रखती हैं इन बैकवर्ड क्लासेस को, इसीलिए वही है मार्जिनलाइजेशन। और ट्राइबल्स को मार्जिनलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ रहा है। दे लिव इन पॉवर्टी, अब क्योंकि मार्जिनलाइज्ड हैं इसलिए उनको इतने ऑक्यूपेशनल क्या कह सकते हैं जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए वो पॉवर्टी में रहने के लिए मजबूर हैं, गरीबी में रहने के लिए मजबूर हैं। दे बिकेम होमलेस एंड जॉबलेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था द फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड द स्टेट प्रॉपर्टी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉपर्टी फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड द आदिवासीज और द ट्राइबल्स हैड टू मूव टू अदर प्लेसेस आउटसाइड द फॉरेस्ट फॉर इनकम, ठीक है, अपना मतलब रोजगार कमाने के लिए, जीविका कमाने के लिए उनको फॉरेस्ट छोड़कर जाना पड़ा था, इसीलिए वो कहते हैं, हम कह रहे हैं कि जॉबलेस और होमलेस हो गए, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था और काम करने के लिए कोई जॉब्स भी नहीं थी। समय समय पर जो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन थी उसके खिलाफ इन ट्राइबल्स ने कई रिवोल्ट्स भी किए, रिवोल्ट्स अकर्ड बाय बट सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, लेकिन जो रिवोल्ट्स थे वो जल्दी ही ब्रिटिशर्स के द्वारा सप्रेस कर दिए गए यानी उनको दबा दिया गया या खत्म कर दिया गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो ट्राइबल्स की थी, वो होमलेस और जॉबलेस हो गए थे, रिवोल्ट्स हुए समय समय पर लेकिन वो जल्दी ही खत्म कर दिए गए, उनके पास इतनी पावर थी, मिलिट्री पावर भी थी और कह सकते हैं पॉलिटिकल पावर भी थी कि वो रिवोल्ट जो है जल्दी से ही खत्म हो गए। मैंने आपको हमने वो चैप्टर किया है चैप्टर नंबर 11 कि कैसे किस तरह से सप्रेस किया रिवोल्ट को,
तो ऐसे ही ट्राइबल रिवोल्ट्स जो हुए उनको भी जल्दी ही सप्रेस कर दिया गया। फॉरेस्ट वर क्लियर फॉर टिम्बर एग्रीकल्चर अर्बनाइजेशन इन प्रेजेंट टाइम्स। अब ये तो थी हमने बात की ब्रिटिश रूल के दौरान, लेकिन आज भी प्रेजेंट टाइम्स में भी डेवलपमेंट के नाम पर या कह सकते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए जो फॉरेस्ट हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं। टिम्बर यानी वुड जो है वो टोटली फॉरेस्ट से प्राप्त होती है। ऐसे ही फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पर एग्रीकल्चरल फार्म्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, या फिर अर्बनाइजेशन लोगों के लिए घर बना रहे हैं, सिविलाइजेशन डेवलप हो रही हैं। तो फॉरेस्ट की जगह ये सब काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ट्राइबल्स हैड टू मूव आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट। ट्राइबल्स को फॉरेस्ट से बाहर जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो कट रहे हैं जंगल, तो अब वो अपना सारा काम कैसे करेंगे, जो अपनी फैसिलिटीज नीड्स हैं वो कैसे पूरा कर पाएंगे। तो इसीलिए फॉरेस्ट जो ट्राइबल्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी कहीं खोते जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इट हैड रिजल्टेड इन पॉवर्टी गरीबी, इलिटरेसी अनपढ़ता, इनडेब्टेडनेस उधार, बॉन्डेज मतलब मजदूरी, मजदूर बन गए हैं, बंधुआ मजदूर बन गए हैं मजबूरी में वो, एक्सप्लॉयटेशन शोषण हो रहा है, डिजीज यानी बहुत सारी बीमारियां भी उनमें फैल रही हैं, एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भी फैल रही है। ये सब ट्राइबल्स की प्रॉब्लम है। वैसे ट्राइबल्स जो हैं उनका एक रिच कल्चर है जिसके बारे में हम सिर्फ कुछ ही नॉलेज रखते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं या ट्राइबल्स हैं वो हमेशा बहुत ही तड़कीले भड़कीले से कपड़े पहनते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, और जो फॉरेस्ट से बनी हुई चीजें हैं वो अपने क्या कह सकते हैं एसेसरीज के रूप में लेते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली हमारे कल्चर को बढ़ावा यानी हमारे ट्रेडिशन को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हम लोग इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। तो आदिवासी के कल्चर को जानने के लिए यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट ऑल्सो कि कैसे किस तरह से आदिवासी जो है हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आदिवासी या ट्राइबल्स के बारे में जो भी हमने पढ़ा, क्लियर है बेटा सबको? यस और नो? क्लियर और नॉट बेटा? साहिल आपने चैट बॉक्स में एक मैसेज लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को और बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या कहना चाह रहे हैं। साहिल 8C से बताइए बेटा। साहिल, साहिल कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा। मैंने ये कह रखा है कि जूम पे ये क्लास होगी लाइव क्लास, उसके बाद मैं लाइव वीडियो भेज रही हूँ यूट्यूब पर। इसी क्लास में जो भी डिस्कस हुआ है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते। चैट बॉक्स में इतने लंबे लंबे मैसेजेस लिख सकते हो, लेकिन जब मैं फेस टू फेस पूछ रही हूँ आपसे तब नहीं बता रहे हैं आप। आपका जो मैसेज चैट बॉक्स में आपने लिखा है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या कहना चाह रहे हो। चलिए ट्राइबल कम्युनिटी बिश्नोईज के बारे में पढ़ेंगे। इट इज अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि एक रिच कल्चर और ट्रेडिशन लिए हुए है। इनका जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही
कह सकते हैं, बहुत ही उसमें इंडियन कल्चर साफ झलकता है। इनका ट्रेडिशन जो है वो इस तरह का है कि जो एक्चुअली हमारा इंडियन कल्चर है वो समझ में आता है। बिश्नोई जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल, कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसका मतलब है कि जो बिश्नोईज हैं वो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को फैला रहे हैं। बिश्नोईज का मतलब है बिश मींस 20 एंड नॉइज मींस 9। इसका मतलब 29। ये बिश्नोईज का मतलब ही 29 है। और बिश्नोईज का ट्राइबल कम्युनिटी जो है इस इनके जो मेंटर थे, मेंटर मतलब गुरु जो थे, जंबेश्वर जी, ही फॉर्मुलेटेड ट्वेंटी नाइन और इस 29 टेनेट्स की वजह से ही इनका इस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम बिश्नोई पड़ा है। जम्बेश्वर जी जो इनके गुरु थे उन्होंने 29 टेनेट्स यानी सिद्धांत जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे या इनको बताए थे कह सकते हैं। इन 29 टेनेट्स के बारे में, जो ये 29 टेनेट्स हैं, दे आर रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन, क्लीनलीनेस और पर्सनल हाइजीन के बारे में है ये 29 टेनेट्स। दे आर प्रिजर्विंग नेचुरल एनवायरनमेंट ऑल्सो। ये बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो राजस्थान की एक ट्राइबल कम्युनिटी है और इनके जो गुरु थे जम्बेश्वर जी उन्होंने पर्सनल हाइजीन और क्लीनिनेस से रिलेटेड और नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड 29 टेनेट्स यानी 29 सिद्धांत बताए थे इनको, जिसके अनुसार हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और जो लिविंग क्रीचर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना इनके इन सिद्धांतों में शामिल है, इन टेनेट्स में शामिल है। और हमारे इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को फैलाने के लिए बिश्नोई कम्युनिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, राइट? तो दे डू नॉट हार्म एनी लिविंग क्रीचर एंड प्लांट्स ऑल्सो। इनके ट्रेडिशन में या कह सकते हैं इनकी ट्राइबल कम्युनिटी में किसी भी तरह से किसी लिविंग क्रीचर, वेदर इट इज एन एनिमल और अ बर्ड और एन इंसेक्ट और प्लांट ऑल्सो, अगर इनको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, ये पूरी तरह से इनकी कम्युनिटी में निषेध है, प्रोहिबिट किया गया है कि किसी भी लिविंग क्रीचर और प्लांट या ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये बिश्नोईज का सबसे मेन जो कह सकते हैं टेनेट है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, ये सबसे मेन इनका टेनेट है, सिद्धांत है जो कि ये फॉलो करते हैं। और ये 29 टेनेट्स ऐसे ही हैं कि अपने आसपास की जगह जो है वो साफ सफाई रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि किसी कोई भी डिजीज फैले या फिर किसी भी लिविंग क्रीचर को नुकसान पहुंचे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं, पहले बताइए ये क्लियर है जो मैंने अभी बताया?
बिश्नोईज जो है एक राजस्थान की ट्राइबल कम्युनिटी है, जम्बेश्वर जी इनके गुरु थे, उन्होंने 29 सिद्धांत दिए इनको और इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को फैलाने में इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। एंड दीज द कम्युनिटी हैज 29 टेनेट्स रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड क्लीनलीनेस। देयर कम्युनिटी प्रोहिबिट एनी हार्म टू एनी लिविंग क्रीचर और प्लांट। यस और नो, क्लियर है कि नहीं? Their religion bans animal killing, यानी किसी भी जानवर का शिकार नहीं करना है, felling of green trees, कोई भी हरा पेड़ काटना नहीं है, एंड प्रोटेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स। इनके रिलीजन में पूरी तरह से एनिमल किलिंग बैन है, जानवरों को मारना बिल्कुल बैन है, हरे पेड़ों को काटना बैन है और उनका रिलीजन जो है पूरी तरह से और सारी लाइफ फॉर्म्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बताइए ये क्लियर है? बताइए जल्दी से बेटा, यस और नो? बेटा बोर्ड पे तो कोई लाइट नहीं पड़ रही है, क्लियर है बेटा बोर्ड तो? एक बच्चा पूछ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स नो एम्प्लॉयमेंट, यानी किसी तरह का कोई रोजगार ना होना। रोजगार क्या है? इनकम बढ़ाने के लिए जो भी काम किया जाता है दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन। और ऑक्यूपेशन से जो पैसा मिलता है उस व्यक्ति को वो पैसा एम्प्लॉयड बनाता है। एम्प्लॉयड मतलब जो जिसके पास काम हो करने के लिए, जिससे उसकी इनकम बढ़ रही है। और जब आपके पास काम नहीं है और पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी। जिसके पास रोजगार ना हो दैट इज कॉल्ड बेरोजगार, एंड जो वो फेस कर रहा है दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। क्लियर है जी? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आपके बोर्ड पर लाइटिंग नहीं है। बेटे लाइटिंग तो पूरी है, मैं देख रही हूँ कैमरा में, ठीक है लाइटिंग तो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी और को भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ जरा मेरे को चैट बॉक्स में जल्दी से। देखो बच्चे कह रहे हैं नहीं आ रही है बेटा, स्क्रीन क्लियर है मैम। एक बच्चा कह रहा है कि मैडम लाइटिंग में प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्लियर है बेटा बिल्कुल स्क्रीन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी है वो नेचर के साथ कह सकते हैं फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं या फ्रेंडली रिलेशंस रखते हैं,
जिससे कि हमारे नेचर को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे और नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं बिश्नोई कम्युनिटी, राइट। तो ये थी एक बिश्नोई सॉरी ट्राइबल कम्युनिटी जो कि राजस्थान की एक कम्युनिटी थी, एंड दे प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अवर इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, राइट। अब देखो शेड्यूल कास्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन एसटीज और एसटीज यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और कह सकते हैं सोशल और इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्क्रिमिनेशन का आज भी चैलेंज फेस कर रहे हैं, आर फेसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इवन नाउ बाय सम हायर कास्ट पीपल। देखिए अभी भी एसटीज और एसटीज जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, कुछ हायर कास्ट लोगों के द्वारा ये डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट लॉन्च मेनी स्कीम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट दे आर बट दे आर डिस एनचेंटेड। डिस एनचेंटेड का मतलब फायदा ना पहुंचना, डिस एनचेंटेड बाय दीज स्कीम्स। तो ये जो स्कीम्स हैं समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा इनके लिए लॉन्च तो की जाती है, लेकिन इन स्कीम्स का पूरा फायदा इनको नहीं मिल पाता। वो क्यों ऐसा होता है? एक तो इनको अपनी जो भी स्कीम्स इनके लिए यूज लॉन्च की जाती हैं उनके बारे में पूरा नॉलेज इनको नहीं होता, और कई बार ऐसा भी होता है कि इन तक वो फायदा पहुंच ही नहीं पाता। आपको पता है ड्यू टू करप्शन भ्रष्टाचार की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए होती तो है लेकिन उन तक उनका फायदा पहुंच नहीं पाता। ये भी एक रीजन है कि जो स्कीम्स इनके लिए लॉन्च की जाती है उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है स्टेप्स नहीं ले रही है इनके बैकवर्डनेस को खत्म करने के लिए, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए या गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये जो जितने भी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं वो उन तक पहुंचे। देखिए ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इसका फायदा जो है स्कीम्स आर मेड या प्रोवाइडेड, यस मेड की जगह प्रोवाइडेड, हैड प्रोवाइडेड मोर मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द रिच। इन स्कीम्स ये स्कीम्स जो है उन एसटीज और एसटी तक तो पहुंचती नहीं है इनका फायदा, और जो रिच पीपल हैं वो अपनी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज कहीं पर भी नहीं छोड़ते हैं, यानी जिन उन लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचता है जो कि रिच हैं और जो सबसे पहले उन स्कीम्स के बारे में जान जाते हैं उन्हीं को ये फायदा जो है ज्यादा पहुंच पाता है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो है शुड बी मोर इनिशिएटेड टुवर्ड्स द एसटीज एंड एसटीज, राइट। ये क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो बताइए, क्लियर है? मुझे लगता है ये तो इतना मुश्किल नहीं था कि भाई एसटीज
रेस्टीज जो है एक्सप्लॉयटेशन का सामना कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की इनके लिए, लेकिन उसका फायदा नहीं पहुंच पाया इन तक, क्योंकि जो रिच पीपल है वो अपने ही फायदे के लिए ये स्कीम्स के द्वारा खुद को फायदा पहुंचाते हैं, ना कि इन बैकवर्ड सेक्शन। ठीक है, आगे देखिए। ये ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन समटाइम्स मेनी समटाइम्स रिवोल्ट्स अकर एंड या अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स और कॉलोनियल पावर। But these protests were suppressed by ठीक है बेटा, आगे का हम टुमारो कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर। जो आपको अभी तक पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड पेज नंबर्स हैं 2344, पेज नंबर 243, 244 और 245 आपको पढ़ना है कल, जिससे कि जो अभी तक पढ़ाया गया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया। चैप्टर नंबर 21 है, सोशल जस्टिस एंड मार्जिन। चलिए, कल तक के लिए बाय बाय एंड गुड आफ्टरनून।